नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हर एक फसल में वायरस एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे नाजुक वैरायटीज मार्केट में लॉन्च हो रही, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसमें वायरस कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे तैसे ये जो बारिश का मौसम होता है, अगर बारिश के मौसम में आपके पौधों के ऊपर वायरस आ गया तो वो उतनी ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी मजेदार चीजें भी समझेंगे कि भाई वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है ये समझने की जरूरत अब इसलिए पड़ रही है क्योंकि कई बार क्या हो रहा है आपकी फसल में, एक मतलब परसों देखा था बहुत अच्छा प्लॉट था और आज देख रहे भाई पूरा 70-80% तक वायरस आ गया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, ये भी हमें समझना है। और साथ ही साथ वायरस के लिए दवा लॉन्च नहीं होती है, मतलब क्या होता है आप समझ लीजिएगा। भाई देखो, बायर हो गया, सिजेंटा हो गया, टाट्रेलिज हो गया, डाउ हो गया, तो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां है, सिंपल वाला एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड को रिसर्च करने के लिए करोड़ों रुपए लगा देते हैं, तो इन्होंने आज तक कोई वायरस के लिए दवा क्यों नहीं ढूंढी? कभी आपने सुना है कि भाई बायर का ये प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर काम करता है, सिजेंटा का ये प्रोडक्ट है वो वायरस के ऊपर काम करता है? कभी नहीं सुनोगे। आप सुनते क्या हो, भाई ये बायो कंपनी है, ये इंडिया का छोटा सा कंपनी है, इसने वायरस के लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया है और ये वायरस के ऊपर काम करती है। तो ये इसमें कितना तथ्य है ये भी जानेंगे। और हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ये सब रिसर्च और ये बातें बताने के लिए जो वीडियो वगैरह शूट करना पड़ता है यार, लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। तो बिना किस देरी के शुरुआत करते हैं, बारिश में वायरस कैसे कंट्रोल करें? तो वायरस क्या है पहले ये समझ लो, सिंपल वाली चीज है। अगर आपकी पत्ती ये रेगुलर शेप की है, ठीक है, इसको हम रेगुलर शेप कहेंगे। अगर इस रेगुलर शेप में क्या होता है, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और पत्तियों का आकार बिगड़ जाता है, इस तरीके से आकार बिगड़ जाता है किसी भी कोने से, ठीक है, आकार बिगड़ जाता है और ऊपर की तरफ पत्तियां कर्ल होती है, तो उसको कहेंगे हम वायरस, ठीक है। लेकिन यह सेम सिम्टम आपको टू फोल्डी के भी मिलते हैं, मतलब क्या, आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में आ रहे हैं टॉनिक के रूप में जिसमें टू फोल्डी मिलाया जाता है और थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है जिससे वो टॉनिक का रिजल्ट दिखता है, लेकिन गलती से ये ज्यादा पड़ गया है उन प्रोडक्ट के अंदर तो वो बिल्कुल वायरस की तरह सिम्टम दिखाता है। मतलब अगर आपकी फसल में जब भी वायरस आता है तो एक पौधा दिखेगा, दो पौधा दिखेगा, चार पौधा दिखेगा, फिर 10 पौधे दिखेंगे, ऐसा धीरे धीरे होता है। अगर धीरे धीरे हो रहा है तो कंफर्म कर लो कि भाई ये वायरस ही है। लेकिन अगर आपने कल स्प्रे किया, स्प्रे से पहले तो कुछ भी नहीं था और स्प्रे करने के बाद 70-80% तक, 40% तक एकदम से अगर आपको ये डैमेज दिखाई दे रहा है तो भाई ये टू फोल्डी के कारण हुआ है, आपने गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया है, टू फोल्डी के कारण हुआ होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। आप चाहो तो 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो, हम उसका ट्रीटमेंट भी बता देंगे। अभी हम फोकस करते हैं वायरस के ऊपर। तो वायरस क्या है, कैसे आया, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली बात, कंपनियों ने जो भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरिया साइड भी लॉन्च होते हैं, लेकिन उसी का एक हिस्सा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, इस वायरस के ऊपर क्यों दवाएं नहीं मिलती है, तो इसका कारण क्या है। वायरस एक प्रकार का आरएनए डीएनए से रिलेटेड एक चीज है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड चीज के लिए इतना बड़ा इन्वेंशन करना, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करना, कोई कंपनी मतलब अच्छा सा उसके अंदर बिजनेस नहीं दिख रहे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला होगा। इसलिए आप देखो, कभी भी आपको बायर और सिजेंटा हो गया, टाट्रेलिज हो गया, इनके प्रोडक्ट नहीं दिखते कि भाई ये वायरस के लिए काम करता है। कोई मार्केटिंग वाला कुछ भी बोल दे वो अलग चीज है, लेकिन कंपनी खुद से नहीं बोल रही है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई, आप YouTube पे भी कई बार वीडियो देखते होंगे, आप हमारे ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास रखना बहुत गलत चीज है। किसी ने बोल दिया कि यार ये वायरस के ऊपर काम करता है और आप वहां पे बिना लॉजिक के अगर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो भाई आपको तो फायदा नहीं होता है, लेकिन जिसका फायदा होना होता है वो हो चुका होता है। तो इसीलिए कोई भी ब्लाइंडली फॉलो आपको किसी को भी नहीं करना है, मुझको भी नहीं, तो बिना लॉजिक के कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ना है।
तो हम बात कर रहे हैं कि बारिश में वायरस कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहली वाली बात, बारिश में जो सबसे ज्यादा नाजुकपन आता है, भाई देखो नाजुकपन ही बीमारियों का कारण है, चाहे वो वायरस हो चाहे आपके कोई अलग अलग प्रकार के डाउनी मिल्डू पाउडर मिल्डू जैसे फंगस हो। ठीक है, तो पहला तो नाजुकपन खत्म करना है, तो नाजुकपन खत्म करने के लिए आपको नाइट्रोजन कंट्रोल करना होगा। अभी नाइट्रोजन कैसे कंट्रोल करना है, आप मैग्नीशियम दे सकते हो, पोटेशियम सोनाइड दे सकते हो। नाजुकपन खत्म करने के लिए आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुमानेल के ज्यादा ज्यादा स्प्रेइंग करके पत्तियों को रब बनाकर रख सकते हो। और एक चीज पत्ती रब करने वाला सिस्टम है, वो है कॉपर। कॉपर भाई, कॉपर को मान्यता है पुरानों वेद वगैरह जो हम पढ़ते हैं पुराण वाले, तो उसमें भी माना गया है कि भाई ये कॉपर आपका वीरिसाइडल एक्शन दिखाता है, मतलब ये वायरस को किल करने की क्षमता रखता है। ये ज्यादा मात्रा में नहीं करता है, प्रिवेंटिव के तौर पर अगर आपके कॉपर के ज्यादा से ज्यादा स्प्रे होंगे वेजिटेटिव ग्रोथ में, तो भाई आपको वायरस की समस्या बहुत कम दिखाई देगी। इसको आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ब्लू कॉपर का इस्तेमाल कीजिए आप, अलग ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, मतलब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। आप कोसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। शॉर्ट में आपका क्या जाना चाहिए, कॉपर जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरा फ्लावरिंग हो तो आपको भी पता है मैं क्या बताने वाला हूं, आपको बोल्डेक्स मिक्सचर का स्प्रेइंग करना है। ठीक है, ये तो ठीक है, बोल्डेक्स मिक्सचर का फ्लावरिंग में स्प्रे करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग हुए बिना कॉपर के रिजल्ट आपको तो मिल जाएंगे, ये भी बात ठीक है। कितना करना है, तो 0.25% वाला बोल्डेक्स मिक्सचर इस्तेमाल करना है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे पहला वाला स्टेप क्या करना है, जब आपके फसल में वायरस दिखाई देता है तो सबसे पहले दो पौधे अगर आपको वायरस के दिखाई देते हैं आपके फसल में, तो पहले उन दो पौधों को उखाड़ो, उसको फेंक दो, और फिर अपना ट्रीटमेंट चालू करो। मतलब आज देखो भाई, मैंने 5 दिनों बाद एक चक्कर राउंड लगाया मेरी फसल में, फसल में मुझे दो पौधे दिखाई दिए वायरस के, मैंने दो पौधे उखाड़े और तुरंत एप्लीकेशन कर दिया ब्लू कॉपर का या फिर बोल्डेक्स मिक्सचर का। ठीक है, और मेरा स्ट्रेटेजी बहुत पक्का कर दिया कि भाई पत्ती रब बनाना है। ठीक है, अभी क्या होता है कि और 10 दिन बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन 15 दिन बाद फिर से दो पौधे दिखाई देते हैं, तो फिर से वो दो पौधे निकालकर ये एप्लीकेशन करना है, जिससे आपके फसल के अंदर वायरस की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत आसान चीज है, ये समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा लंबा समय इसलिए लेना पड़ा, पहले तो ये सिस्टम क्लियर करना पड़ा भाई, टू फोल्डी का डैमेज अलग होता है, वायरस का डैमेज अलग होता है। ठीक है, फिर मुझे दूसरा वाला सिस्टम ये समझाना पड़ा कि भाई अलग अलग कंपनियों के एड देखते हो आप, बहुत सारे चैनल पे भी आते हैं, दुकान में भी देखते हो कि भाई ये ले जाओ, ये 100% काम करता है वायरस के ऊपर, एक्चुअल कुछ नहीं होता है, मैं डंकी की चोट के ऊपर कहता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट है तो भाई ओपन चैलेंज है, हम हमारे साथ देखिए, आप कोई प्रैक्टिकल देना चाहते हो तो दीजिए और रिजल्ट दिखाइए। ठीक है, तो ऐसे बकवास प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में, उनके साथ आपको 200-400 रुपए खर्च करने से बढ़िया है वो दो पौधे उखाड़ो और तुरंत अपना ये इलाज चालू कर दो। इसमें मेरा कोई कोई बोल्डेक्स मिक्सचर बनाते वक्त मुझे थोड़ी कमीशन मिलने वाला है, तो बोल्डेक्स मिक्सचर जैसा चीज अपनाओ, ये बढ़िया वाला काम करता है, ये स्ट्रेटेजी अब बढ़िया वाला काम करता है। आप क्या करते हो, दो पौधे देखे वो वहीं पे छोड़ देते हो, दुकान में जाते हो या फिर कहीं पे वीडियो देख लेते हो कि भाई वायरस के लिए दवाई बहुत बढ़िया काम करती है, वो दवाई लाकर उसका छिड़काव करते हो और 2 गुना वायरस बढ़ जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार ये 200 पौधे हो गए, अब 200 पौधे तो उखाड़ नहीं सकते, इतना तो मेरा कलेजा नहीं मानेगा, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपको लंबे वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन भाई दिल से निकल रहा था तो बोल दिया। तो आप भी अगर दिल से लाइक और शेयर करते हो तो चैनल की मदद हो जाएगी और हम ऐसे कंटेंट बना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय जवान जय किसान।